नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में। दोस्तों देखेंगे हम कि इसमें कौन कौन सी दवाइयां डाली गई हैं, कहां कहां पे इसका उपयोग करना चाहिए, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट आते हैं, कैसे उपयोग करना चाहिए और दोस्तों क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये टेबलेट लेते समय। दोस्तों माई सेल्फ धर्मेंद्र फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, मैं इस चैनल पे आपको मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जीरोडॉल एसपी है ये मेडिसिन का ब्रांड नेम है, लेकिन जीरोडॉल एसपी को बनाने के लिए जो जो मेडिसिन डाली गई हैं वो है फ्रेंड्स, इसमें एसिक्लोफिनेक पड़ा हुआ है 100 mg, और दोस्तों इसमें सेरेसियो पेप्टाइडेज है 25 mg, और दोस्तों इसमें पैरासिटामोल डाला गया है 325 mg। ये मुख्य रूप से तीन दवाइयां इसको बनाने के लिए उपयोग की गई हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग, कहां कहां पे इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग अगर सर में दर्द है, माइल्ड माइग्रेन है, थोड़ा बहुत माइग्रेन का दर्द है, तो उस केस में इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर मासिक धर्म के कारण दर्द हो रहा है तो उस केस में इसका उपयोग किया जा सकता है। दांतों के दर्द में भी इसका उपयोग दोस्तों किया जा सकता है। ब्लूटिंग है, अगर गैस की समस्या तो उस केस में भी इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर गले में किसी प्रकार की खराश है तो उस केस में भी इसका उपयोग किया जाता है। बुखार अगर है उस केस में भी किया जाता है। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए भी जीरोडॉल एसपी टेबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर मसल्स में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, या फिर दोस्तों ज्वाइंट पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कहीं पर भी बॉडी में दर्द हो रहा है, उस केस में आप जीरोडॉल एसपी टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको इसके उपयोग के बारे में बता दिया, हो सकता है इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको किसी पेशेंट को रिकमेंड करे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपको ये टेबलेट लेनी कैसे है। तो दोस्तों इस टेबलेट का उपयोग खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन आपका डॉक्टर जिस हिसाब से आपको बताता है उस हिसाब से आप इसका उपयोग करें। दोस्तों दिन में एक से लेकर दो बार इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको उल्टियां आ सकती हैं, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, और दोस्तों इसमें आपको पेट में दर्द हो सकता है, और अपच की समस्या देखने को मिल सकती है, हार्ट बर्न की समस्या देखने को मिल सकती है, भूख न लगना ये इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और डायरिया ये देखने को मिल सकता है। अगर इसके अलावा आपको इसका कोई अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये टेबलेट लेते समय आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसमें जो जो मेडिसिन डाली गई है इनसे किसी प्रकार की एलर्जी है या फिर एलर्जी रह चुकी है पहले, तो इसका इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों लीवर या फिर किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर इसका इस्तेमाल करने से बचें। एल्कोहल के साथ में इस टेबलेट का उपयोग नहीं करना है। अगर कोई अस्थमा का मरीज है या फिर जो माताएं बच्चे को दूध पिलाती हैं या फिर जो माताएं प्रेग्नेंट हैं उस केस में भी इसका इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों बच्चों से इसे दूर रखें। तो दोस्तों मैंने आपको आज पूरी कंप्लीट जानकारी दी है जीरोडॉल एसपी टैबलेट के बारे में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।